इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस भिलाई नगर दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। मशीन ड्राइंग बी थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल बेस ऑन CSVTU भिलाई सिलेबस से यूनिट 3 में रिविटेड जॉइंट में फॉर्म एंड प्रॉपर्टी ऑफ स्नैप आर कप हेडेड रिविट डायमेंशन ऑफ रिविटेड जॉइंट टाइप ऑफ रिविटेड जॉइंट सिंगल रिविटेड लैप जॉइंट डबल रिविटेड लैप जॉइंट डबल रिविटेड लैप जॉइंट सिंगल रिविटेड सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट सिंगल रिविटेड डबल स्ट्रैप बट जॉइंट के बारे में बात करेंगे। रिविटेड जॉइंट क्या होता है? रिविटेड जॉइंट आर द परमानेंट फास्टनिंग एंड रिविटेड इज वन ऑफ द कॉमनली यूज मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजिड एंड परमानेंट जॉइंट। मैन्युफैक्चर ऑफ बॉयलर स्टोरेज टैंक एक्सेट्रा इन्वॉल्व जॉइनिंग ऑफ स्टील सीट बाई मीन ऑफ रिविटेड जॉइंट। दिस जॉइंट आर ऑल्सो यूज टू फास्टन रोल्ड स्टील सेक्शन इन स्ट्रक्चरल वर्क सच एज ब्रिज एंड रूफ ट्रसेस। ए रिविट इज ए राउंड रॉड ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इट्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स विच हेड एंड सैंक माइट स्टील रोट आयरन कॉपर एंड एल्यूमिनियम अलॉयज आर सम ऑफ द मेटल्स कॉमनली यूज फॉर रिविट्स। द चॉइस ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल विल डिपेंड अपॉन द प्लेस ऑफ एप्लीकेशंस। डेफिनेशन द डेफिनेशन ऑफ टर्म्स एसोसिएट विद द रिविटेड जॉइंट आर गिवन बिलो। पिच मार्जिन रो पिच डायगोनल पिच चैन रिविट्स एंड जिगजैग। रिविटिंग प्रोसेस रिविटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए रिविट जॉइंट। फॉर दिस ए रिविट इज ए फर्स्ट प्लेस इन द होल ड्रिल्ड थ्रू द टू पार्ट टू बी जॉइंट then the shank end is made into a rivet head by applying pressure when it is the either in cold or hot condition. Pressure may be applied to form the second rivet head either by direct hammering or through hydraulic or pneumatic means. While forming the rivet head, the shank will be bulged uniformly. Hence, a certain amount of clearance between the hole and shank must be provided before riveting. Hot riveting produced better result when compared to the cold riveting. This is because after hot riveting, the contraction in the shank length and to pull the part together making a tight joint. क्लियरेंस कॉल्किंग एंड फ्लेयरिंग। रिविटेड जॉइंट मस्ट बी मेड एयर टाइट इन एप्लीकेशन सच एज बॉयलर एंड अदर प्रेशर वेसल। कॉल्किंग आर फ्लेयरिंग इज डन टू द मेक द रिविटेड जॉइंट एयर टाइट। कॉल्किंग द आउटर एज ऑफ द प्लेट यूज इन बॉयलर एंड अदर प्रेशर वेसल आर बेवल्ड टू प्रोस्यूर reduced airtight riveted joint. Those beveled edge of the plate are cowled. Caulking is a operation in which the outer beveled edges of the plate are hammered and driven in by a caulking tool. The caulking tool is in the form of a burnt edge chisel. Fullering is also used to produce airtight joint. Unlike the caulking tool, the width of the folding tool is equal to the width of the beveled edge of the plate. Caulking and folding operation carried out effectively by the applying pneumatic pressure. Caulking and folding. ये देखिए caulking tool होता है, ये rivet के जो end वाला part है यहाँ पर और ये यहाँ पर caulking process करते हैं, but folding में देखिए पूरे edge में ये tool blunt tool से हमने करते हैं, एक combined है, यानी इस यहाँ से जो रख के हैमरिंग करते हैं तो इससे ये एज यहाँ पर टाइट हो जाता है, देन इधर करते हैं तो ये यहाँ टाइट होती है, इस तरह से एयर टाइट हो जाता है और ये अंदर प्रेस हो करके जो भी क्लियरेंसेस रहते हैं ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर एक रिबिट का जो राउंड में पेरिफेरल में पूरा हम कॉल्किंग टूल से कर देते हैं, इससे ये इसको पकड़ लेता है और यहाँ जो करते हैं इससे जम जाता है, साथ में थोड़ा बहुत जो क्लियरेंसेस होता है वो भी कम हो जाते हैं। टाइप ऑफ रिबिट्स।
snap a cup head, pan head, pan headed with the taper neck, rounder counter sunk, flat counter head and flat. ये इस तरह से छह टाइप के रिवेट्स होते हैं जो इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ रिवेटेड हेड फॉर जनरल पर्पस के लिए यूज होते हैं. इनकी लेंथ 2.5D टू 10D तक होती है. अब हम सिंगल रिवेटेड सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट को कैसे बनाते हैं ड्राइंग में यह दिखाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका फ्रंट व्यू ड्रा करेंगे इस तरह से. अब इस फ्रंट व्यू को रेफरेंस लेकर इसका टॉप व्यू ड्रा करेंगे और यहाँ पर इस सेक्शनल प्लेन जो फ्रंट व्यू हमने ड्रा किया है उसका एक कटिंग सेक्शनल प्लेन है. इस तरह से सिंगल स्ट्रिप रिवेटेड सिंगल स्ट्रिप मैं देखिए ये जो प्लेट है इस ये और ये प्लेट दोनों ज्वाइंट हो रही है इसके ऊपर एक स्ट्रिप एक लग रहा है तो इसको बट ज्वाइंट बट सिंगल स्ट्रैप बोलते हैं. और एक सा कटिंग प्लेन है ये रिवेट है ये इस तरह से होते हैं ये इसके इंक्लाइंड एज हैं ये है. ये इनके गैप्स हैं मार्जिन इधर से मार्जिन का है इधर से मार्जिन का सिंगल रिवेटेड सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट का ड्राइंग कंप्लीट हुआ. सिंगल लिफ्टेड डबल स्ट्रेप बट ज्वाइंट ये देखिए पहले रेफरेंस लाइन बनाए उसके बाद से इसका फ्रंट व्यू हमने ड्रा किया. अब इसको रेफरेंस लेकर हम इसका टॉप व्यू ड्रा कर रहे हैं. ये देखिए यहाँ पर बताने योग्य बात यह है कि ये और इस प्लेट को जो बीच वाली प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए एक स्ट्रैप ऊपर एक स्ट्रैप नीचे दोनों रख के जो होल करके ये पिच है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पिच है और ये यहाँ से यहाँ तक का मार्जिन है वैसे ही इस प्लेट से यहाँ तक का मार्जिन है. एक हमने कटिंग प्लेन को शो किया है और ये सिंगल रिवेटेड डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट का फ्रंट व्यू और एक टॉप व्यू की ड्राइंग कंप्लीट हुई. डबल रिवेटेड जिगजैग लैप ज्वाइंट मतलब ये देखिए एक प्लेट ए है जिसमें एज बना हुआ है और इनिशियल प्लेट इनका लैप ज्वाइंट कैसे करते हैं वो भी जिगजैग है. इसका हमने फ्रंट व्यू बनाया पहले ये इस तरह से इसका फ्रंट व्यू हुआ और इसको रेफरेंस लेकर हम इसका ये टॉप व्यू ये देखिए जिगजैग ये इनके जो बीच के गैप हैं ये जिगजैग इस शेप में और इनके बीच का ये डिस्टेंस जो है पी आर है ये डिस्टेंस पी है ये पिच है ये हुआ डबल रिवेटेड जिगजैग लैप जॉइंट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की असेंबली ड्राइंग. डबल रिवेटेड चैन लैप जॉइंट इसका एक फ्रंट व्यू हुआ अब इसका टॉप व्यू हुआ ये देखिए और जिगजैग में ये यहां से यहां यहां से यहां यहां से ऐसा होता था बट चैन ज्वाइन में ये इस तरह कंटिन्यूस में होता है. और एक इसके कटिंग प्लेन है इसी के बेस पर हमने फ्रंट व्यू ड्रॉ किया. ये पिच है डबल लिफ्टेड चैन लैप ज्वाइंट का फ्रंट व्यू और एक टॉप